ईड़ा और पिंगला में संतुलन लाना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है संतुलित जीवन जीने के लिए दिन में चार बार 40 मिनट के दौरान एक तरह का परिवर्तन होता है इन्हें संध्या काल या संध्या कहते हैं क्योंकि इस समय ईड़ा और पिंगला में संतुलन बहुत तेजी से बदलता है योगिक परंपरा में इसे इस तरह देखते हैं शरीर और मन जैसी कोई चीज नहीं होती भौतिक शरीर होता है मानसिक शरीर होता है ऊर्जा शरीर होता है ऊर्जा शरीर में बहत्तर हजार नाड़ियां शामिल होती हैं जब हम नाड़ी कहते हैं तो इसका मतलब है एक चैनल या रास्ता नाड़ी का मतलब कोई नस नहीं है अगर आप इस शरीर को काटकर खोलें तो आपको नाड़ियां नहीं दिखेंगी ऐसी कोई चीज भौतिक रूप में नहीं है लेकिन अनुभव के तौर पर अगर आप अपने सिस्टम में ऊर्जा की गतिविधि की प्रकृति को देखें तो आप पाएंगे कि वो हमेशा स्थापित मार्गों पर चलती है इधर उधर कभी नहीं तो बहत्तर हजार मार्ग हैं जिनसे वो गुजरती है छत्तीस दई और छत्तीस बाई और दोनों तरफ छत्तीस हजार दाहिने को पिंगला कहते हैं बाएं को ईडा कहते हैं इन्हें सूर्य और चंद्रमा भी कहा जाता है तो ये दोनों ईडा और पिंगला या सूर्य और चंद्रमा दाया और बाया आपके मन के स्तर पर तार्किक और सहज ज्ञान को दर्शाते हैं जब मैं सहज ज्ञान कहता हूं तो सहज ज्ञान बोध का एक और आयाम नहीं है बल्कि सिर्फ गणना का एक और आयाम है अगर आपके अंदर बराबर मात्रा में सूचना है अगर आप तार्किक रूप से जाते हैं तो किसी जगह पहुंचने में दस कदम लग सकते हैं इंट्यूशन मीन्स यू डोंक यू जस्ट जंप टू देंथ स्टेप सहज ज्ञान मतलब आपको दस कदम नहीं उठाने आप बस कूद कर दसवें कदम पर पहुंच जाते हैं मगर आज की आधुनिक शिक्षा प्रणालियां सौ प्रतिशत सहज ज्ञान के आयाम को कुचल रही है सिर्फ तार्किक को विकसित किया जा रहा है किसी भी सहज ज्ञान को बकवास कहकर खारिज कर दिया जाता है हर चीज के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है जो आपकी दादी नानी यूं ही जानती थी आज आपको वही चीज जानने के लिए अरबों डॉलर का रिसर्च करना पड़ता है जब आपको हर चीज के लिए सोचना पड़ता है और हर चीज में कई कदम लेने होते हैं अब जीवन तनावपूर्ण हो जाता है अगर कोई एक स्तर से आगे सफल होना चाहता है तो कुछ चीजें हैं जिनमें आपको उन्हें फांद कर वहां तक पहुंचना होता है वही सूचना वही चीजें बस आपको हर बार उतने ही कदम नहीं लेने पड़ते ये जीवन को तनावपूर्ण बना देता है क्योंकि ये ऐसा है जैसे आप अपनी कार दो पहियों पर चला रहे हो बाकी दोनों पहिए खाली और सुरक्षित हैं मैं नहीं जानता कि कब इस्तेमाल के लिए पर दो पहिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर भारी दबाव पड़ेगा तो योगिक प्रणाली में सहज ज्ञान की अहमियत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तार्किक की तो ईड़ा और पिंगला में संतुलन लाना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है संतुलित जीवन जीने के लिए खुद को जटिल स्थितियों में आसानी से चलाने में सक्षम होना तभी संभव है जब आपके मन का सहज ज्ञान संबंधी आयाम पर्याप्त विकसित हो वरना छोटी चीजें आपको परेशान कर देंगी क्योंकि हर चीज के लिए कई कदम हैं यहां हम कुछ चीजें करेंगे ताकि ईड़ा और पिंगला में संतुलन ला सकें, जिससे आपको अनुभव के तौर पर इसकी एक समझ मिल सके अगर आप अपनी तर्जनी उंगली को अपने नथुनों के नीचे रखते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं देखिए कि किस नथुने में अभी सांस प्रबल है हुँ? कितनों का दाहिना है बायां? ठीक है यह दायां होता है या बायां? सिर्फ दो बैरल हैं। अगर 25 होते तो यह कितना जटिल होता अगर आप दिन भर के दौरान खुद पर गौर करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग 40 से 48 मिनट के बीच सांस की प्रबलता दाएं से बाएं और बाएं से दाहिनी की तरफ बदलती है क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है यह इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम के भीतर ऊर्जा या प्राण की प्रबलता जो शरीर की जीवन शक्ति है वो पिंगला से ईड़ा और ईड़ा से पिंगला में बदलती रहती है हर 40 मिनट पर एक बार ऊर्जा के बदलने के बाद अगले 8 मिनट के अंदर सांस बदल जाती है अगर आप सेहत और खुशहाली की संपूर्ण स्थिति में हैं, तो वो कुछ पलों में या हम कह सकते हैं तुरंत ही बदल जाएगी यह परिवर्तन हर चालीस मिनट में होता है पर दिन के कुछ समय के दौरान जिन्हें ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है जिसका मतलब है संध्या काल सूर्योदय से बीस मिनट पहले सूर्योदय के बीस मिनट बाद ओ ठीक है सदगुरु अगर कोई दूसरा समय है तो बताइए दोपहर से बीस मिनट पहले दोपहर के बीस मिनट बाद सूर्यास्त से 20 मिनट पहले सूर्यास्त के 20 मिनट बाद आधी रात से 20 मिनट पहले और आधी रात के 20 मिनट बाद 40 मिनट के दौरान दिन में चार बार एक तरह का परिवर्तन होता है इन्हें ट्वाइलाइट जोन या संध्या कहते हैं क्योंकि इस समय ईडा और पिंगला में संतुलन बहुत तेजी से बदलता है क्योंकि वो आपके अंदर तेजी से बदल रहा है इस समय उसमें संतुलन लाना बहुत आसान है एक हद तक दुनिया में लगभग हर कहीं किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया या साधना का मतलब है सुबह शाम संध्या आध्यात्मिक साधना का पर्याय बन गई है वो समय कई साधनाओं का पर्याय हो गया है तो ईडा और पिंगला में संतुलन लाना एक इंसान के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है आप आप वाकई अपने अंदर आराम तभी महसूस करते हैं जब आप किसी रूप में संतुलित होते हैं जब किसी तरह का असंतुलन होता है तो परेशानी होती है है ना हा? जब आप किसी तरह का असंतुलन महसूस करते हैं तो परेशानी होती है सिर्फ जब आप एक खास संतुलन पा लेते हैं तभी आप वाकई आराम महसूस करते हैं तो आराम कभी इससे तय नहीं होता कि आप किस पर बैठे हैं या कहा हैं आराम इससे तय होता है कि आप अपने अंदर कितने संतुलित हैं बैलेंस्ड यू आर मूलभूत आराम जो हर इंसान में होना चाहिए। दुर्भाग्य से कई सारे लोग उससे वंचित हैं एक जगह पूरी सहजता से सिर्फ बैठना अभी अधिकांश लोगों के साथ नहीं हो पाता है ना बस आराम से बैठना पूरी सहजता से यह नहीं होता so, तो जब ईज यानी आराम नहीं है तो ये डिसीज है चाहे आपने मेडिकल जांच कराई हो या नहीं ये एक बीमारी है अगर परेशानी एक समय के बाद जारी रहती है तो वो खुद को शरीर में एक खराबी के रूप में व्यक्त करेगी जो किसी तरह के रोग के रूप में दिखाई देती है हर तरह की समस्या के लिए अविश्वसनीय नाम सामने आ रहे हैं मूलभूत कारण कि सिस्टम क्यों अपनी अवधि पूरी नहीं करता इसे अपनी अवधि पूरी करने के लिए डिजाइन किया है पर यह अपनी अवधि पूरी नहीं कर रहा क्योंकि हम इसे असंतुलन के अलग अलग स्तरों पर रखते हैं आप अपनी कार हर समय बस दो पहियों पर चलाते हैं तो कुछ ना कुछ खराब होगा तो इसी तरह पूरे सिस्टम को ठीक से नहीं रखा जा रहा है सिस्टम में पर्याप्त संतुलन नहीं है केवल जब आप संतुलन में होते हैं तभी आराम होता है वरना कोई आराम नहीं होता कोई व्यक्ति आराम नहीं जान पाएगा जब तक कि वो अपने अंदर थोड़ा बहुत संतुलन न जानता हो केवल जब आप संतुलित होते हैं तभी आप स्थिर हो सकते हैं और लोग बीमार हैं इंसान सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि स्थिर कैसे रहें स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब तक पर्याप्त संतुलन ना हो केवल जब आप पूरी तरह संतुलित होते हैं आप अपने भीतर स्थिर हो सकते हैं वरना ऐसा नहीं होगा